जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त नए दिन के साथ एक नए और धमाकेदार क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है, क्योंकि लेकर आया हूँ आप सभी की भारी डिमांड पर आज वन शॉट पूरा का पूरा। हाँ भैया हाँ, वन शॉट जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी करवाने वाला हूँ, साथ में PYQs भी करवाने वाला हूँ। मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, लेकिन वो PYQ के साथ में होगी कि किस तरह के आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देन आप लोग जो है इस चैप्टर की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करना है। चैप्टर का नाम है आपके प्रायिकता। अब प्रायिकता कहा जाता है कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर आता है सांख्यिकी और प्रायिकता। मतलब आप लोगों को ये मेजर पार्ट अगर हम बात करते हैं तो 11 से 12 नंबर का जो है पूरा पार्ट कवर करवा देता है। अब यहां से इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको पूरा ध्यान से और अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने ये 4 से 5 नंबर कंप्लीट कर लिया एक क्लास में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप लोगों को यहीं पर आराम से और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रायिकता की। वन शॉट रहने वाला है, जैसा कि अभी बताया, कंसेप्ट भी होगा और साथ में PYQs भी होंगे, दोनों ही चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में शुरुआत करते हैं बेटा। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो देखो यार, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन से है ना थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक फील होता है, लगता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि कैसा होगा क्या होगा। बेटा अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना कि इंसान अगर हारता है तो खुद से हारता है, दुनिया से तो वो कभी भी नहीं हार सकता अगर खुद से जीत गया तो। इसीलिए आज का हमारा मोटिवेशन है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। कहते हैं ना कि अगर आपने खुद ने ही हार मान ली तो यार फिर आपने मतलब सरेंडर कर दिया, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी मैदान में हार गए हो, ठीक है, लेकिन आप दूसरी बात फिर एफर्ट मारोगे तो ये ध्यान रखना आप लोग सेकंड टाइम में जीतने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम में मिस्टेक्स की होगी उन पर आप फोकस सबसे ज्यादा करोगे और उन कमियों को दूर करोगे। चलिए तो आज हमारा चैप्टर का नेम है बेटा यहां पर प्रायिकता। प्रायिकता की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है बताओ भाई? प्रायिकता, प्रायिकता नाम सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में? आप कहोगे कि सर इंग्लिश में तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। भाई बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, प्रायिकता का नाम सुनते ही कुछ छोटी छोटी सी चीजें आती है। पहला ही वर्ड आएगा आपके संभावना। क्या आता है बेटा? संभावना, संभावना, ठीक है, क्लियर। अब संभावना, जैसे कि मान लो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, भारत T20 विश्व कप जीत सकता है ना? क्यों? क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उस बिहाफ पर कहेंगे। नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान का मान लो मैच है तो हम क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान से जीतेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया पाकिस्तान से जो है इंडिया हमेशा जीतता हुआ है और इस बार भी जीतेगा, क्लियर। मौसम खराब है, थोड़ा सा कहोगे कि आज बारिश हो सकती है, क्यों? क्योंकि आपने अनुमान लगाया है। कुल मिला के संभावना या हम कह सकते हैं अनुमान, क्या कह सकते हैं? अनुमान, आपने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है, किसके बिहाफ पर? कंडीशंस के बिहाफ पर। आपने पहले कंडीशंस देखी और उस बिहाफ पर आपने अनुमान लगाया है, ठीक है। ये आप लोगों को काफी अच्छे से पता है, जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला। अब सिक्का उछाला तो या तो आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास में टेल आ सकता है। पासा फेंका आपने, 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई सा भी अंक आ सकता है, या फिर आपके पास ताश के 52 पत्ते, उन 52 पत्तों में से आपको मैंने कहा कि एक पत्ता निकालना है, तो अब वो एक पत्ता हुकुम का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है। तो ये सारी गणित आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पता है, क्लियर, ओके। तो कुल मिला के प्रायिकता की जब भी बात आएगी वहां पर संभावना या अनुमान आपका होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उदाहरण यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं? एक तो किया जाता है आपके पास में सिक्का, ठीक है, एक तो सिक्के का यूज किया जाएगा, ठीक। दूसरा उदाहरण अगर मैं कहूं तो वो होता है हमारा पासा, कौन सा होता है? पासा, ठीक है, पासा। और तीसरा होता है ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, क्लियर। अब इनको तीनों को इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सिक्के को इंग्लिश में कॉइन कहा जाता है, पासे को जो है इंग्लिश में डाइस कहा जाता है, और ताश के पत्ते को प्लेइंग कार्ड्स कहा जाता है। ये ध्यान आप लोगों को रखना है, ओके बेटा, क्लियर है?
किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे मेनली प्रायिकता की, कि प्रायिकता की आखिर में डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रायिकता की डेफिनेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है। अब घटना से मतलब क्या है, आपने नाम सुना यहाँ पर घटना, अब ये घटना क्या हो सकती है। जैसे कि आपने पासा फेंका, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, पासा फेंका, ये क्या है, घटना घटित होगी। पासा फेंकने पर घटना ही तो घटित होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पासा फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी अंक आ सकता है, ठीक है। आपने सिक्का उछाला तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, है ना, क्लियर। तो ये क्या हो रही, घटना घटित हो रही है, इसीलिए कहा गया है कि किसी भी घटना के होने की संभावना, संभावना क्या है, या तो हेड आना या टेल आना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आना, ये सारी क्या है, संभावना है, ठीक है। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज जो है सांख्यिकी में किया जाता है इसका, गणित में किया जाता है, विज्ञान दर्शन शास्त्र में किया जाता है। ओके, क्लियर। अब छोटी छोटी पहले हम यहाँ पर चीजें देखेंगे, देन हम इसके आगे बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर ये एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा एक फिगर नजर आ रहा है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है सिक्का। अब आपको पता है कि आपके पास में एक कॉइन है, आपको कहा जाए उछालिए, तो जैसे ही आप कॉइन को उछालते हो, जैसे ही आप कॉइन को उछालते हो, तो या तो आपके पास में हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस हम क्या कहते हैं, हेड, ओके, और हिंदी में इसको कहते हैं चित, क्या कहते हैं, चित, और टी से मतलब है टेल, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसको पट, क्या कहते हैं, पट। अब 50% चांसेस है हेड आ जाए, 50% चांसेस है टेल आ जाए। सिक्का खड़ा तो रह नहीं सकता है भाई, सिक्का जो है आपका वो खड़ा तो रह नहीं सकता है, 50% चांस तो आपके हेड आने के हैं, 50% चांस ही आपके टेल आने के हैं, ओके। इसी तरह से पासे की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है सांप सीढ़ी, आप सबने खेली है ना, लूडो आप सभी ने खेला है, तो उसमें वो छोटा सा एक होता है ना जिस पर 6 अंक लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा, जिसको फेंकते हैं हम, है ना, या फिर महाभारत, आप सभी को पता है अच्छे से, महाभारत तो भैया हिस्ट्री जो है क्रिएट कर दी उसने, है ना, अच्छा बुरा हर चीज़ उसने बता दिया महाभारत ने। तो उसमें क्या होता है, वो चौपड़ जो होता है ना, ठीक है, तो वो चौपड़ में क्या कहते हैं, वो पासे ही तो फेंकते हैं, वो मामा शकुनी क्या करता है, वो पासे ही तो फेंकते हैं ऐसे करके ये, ठीक है, तो ये पासे ही रहते हैं, ठीक है। अब ये पासे क्या हो गए, थोड़े उस टाइम के पासे बड़े होते थे, क्योंकि वो लकड़ी वाले पासे होते थे, है ना, और वो अलग टाइप के पासे होते थे, और ये वाले जो पासे है ये हमारे प्लास्टिक वाले। अभी यार अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे न्यू जो है चीज़ें आती जा रही है, तो ये वो पास है, ठीक है। फिर ताश के पत्ते की अगर हम बात करते हैं तो इनको भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में यहां पर अगर मैं बात करता हूं पासे की, तो पासे में आपको या तो 1 मिल सकता है या 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से ही कोई ना कोई अंक आपको मिलेगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई अंक आपको मिलेगा, क्लियर। पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी मिल सकता है। ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते की अगर हम बात करते हैं तो सभी ने खेले भी होंगे, जिसने नहीं खेले बहुत बढ़िया बात है, और जिसने खेले और भी बढ़िया बात है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रायिकता सीखनी है तो ताश के पत्तों का थोड़ा नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, है ना, ठीक है। चलो तो अब देखो, ताश के पत्तों की अगर मैं बात करता हूँ तो ताश के कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं, ताश के कुल पत्ते होते हैं 52, कितने होते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 52, ठीक है। अब ये जो 52 पत्ते होते हैं, ये 52 पत्ते दो कलर के होते हैं, कितने कलर के होते हैं, दो कलर के, 26 तो इसमें लाल होते हैं और 26 इसमें काले होते हैं, समझना ध्यान से, इन 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं आपके, काले होते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर अगर मैं इसको आगे ब्रेक करूं तो यहां पर आप देखोगे इसमें 13 ईंट के होते हैं और 13 पान के होते हैं लाल में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इधर डिवाइड करूं कालों में, अगर मैं कालों में डिवाइड करूं तो कालों में डिवाइड करने पर 13 पत्ते आपके पास में हुकुम के होते हैं और 13 पत्ते आपके पास में चिड़ी के होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो ये वाला जो शेप है, अब वन बाय वन हम शेप की बात करेंगे, ये जो शेप है ये पान के पत्ते का है, ठीक, ये पत्ता है, ये जो शेप है ये ईंट के पत्ते का है, क्लियर, ये शेप चिड़ी के पत्ते का है और ये शेप हुकुम के पत्ते का है, क्लियर। इतनी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से
शानदार और जबरदस्त समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो अब देखो, इन ताश के पत्तों में जो है सबसे बड़ा हमेशा बोला जाता है इक्के को, इसको कहते हैं हम इक्का। क्या कहते हैं? इक्का। इसे कहते हैं हम बादशाह। क्या कहते हैं? बादशाह। इसे कहते हैं बेगम, है ना? क्या कहते हैं? बेगम। इस तरह का जो पत्ता रहेगा इसे कहते हैं हम गुलाम, ठीक है? और ये 10 नंबर देला, जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है एस, इसको कहा जाता है किंग, इसको क्वीन और इसको जैक। क्लियर? ये पान के जो है सेट है। ऐसा ही हुकुम का होगा, ऐसा ही चिड़ी का होगा, ऐसा ही जो है आपके पास में ईंट का होगा, ठीक है? क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कि इस पत्ते पे फेस बना हुआ, इस पे फेस बना हुआ, इस पे फेस बना हुआ है ना, तो पत्तों पे क्या बना हुआ? फेस, जिस पे आकृति बनी होती है। आकृति मतलब शक्ल बनी होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा ना, इन पर क्या बना हुआ? शक्ल बनी हुई है। तो इनको कहते हैं हम फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड, ठीक है? क्लियर है? अब हुक्म के होंगे तब भी, ईंट के होंगे तब भी, चिड़ी के होंगे तब भी, ठीक है? क्लियर? जिन पे फेस बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो 52 पत्ते कैसे होते हैं, पहले आपको ये समझना है ना, ठीक है? दो नंबर से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? ये 10 तो आपके पास में हो गए, ओके? अब ध्यान से और अच्छे से देखना, मैं इनको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ताकि सही रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये लो, ओके? अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो एक हुकुम का दो नंबर का, एक पान का, एक ईट का, एक चिड़ी का, तो दो नंबर के कितने पत्ते हो गए? 4। तीन नंबर के भी कितने होंगे? 4, हर कलर के 4, 4, फिर इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, ठीक? बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। बेगम कितनी होती है? 4 होती है। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पत्ते, तो 13 × 4 52, 13 × 4 52, तो ये हो गए आपके कुल 52 पत्ते, ओके? क्लियर है यहां तक? किसी के भी मन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मुझे अच्छे से पता है। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया और जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब चलेंगे हम इसके आगे, ध्यान से और अच्छे से देखना क्योंकि आगे की कहानी आप लोगों के लिए जबरदस्त रहने वाली। आगे आता है आपके पास में घटना, पहली घटना आती है प्राथमिक घटना। क्या आती है? प्राथमिक घटना। क्या होती है प्राथमिक घटना? एक घटना जिसमें प्रयोग का केवल एक परिणाम होता है उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं या प्राथमिक घटना कहते हैं, ठीक है? जिसमें केवल और केवल एक, समझना मेरी बात, जिसमें केवल और केवल एक परिणाम होता है, जैसे कि एक सिक्के को n संख्या में उछालने का प्रयोग करें, इस प्रयोग के एक परीक्षण से दो संभावित परिणाम मिल सकते हैं, समझना। जैसे आपने सिक्का उछाला, अब दो संभावित परिणाम होंगे। संभावित परिणाम कितने होंगे? दो होंगे, या तो चित होगा या पट होगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो रिजल्ट तो आपको एक ही मिलेगा ना, जैसे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, ठीक है? तो अब ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं? एक ही टीम के जीतने के होते हैं। बहुत रेयर केस में आप देखोगे कि मैच जो है वो टाई हो जाता है। इसी तरह से सिक्का आपने उछाला, है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो परिणाम तो आपको एक ही मिलेगा, ओके? नेक्स्ट आता है आपके पास में संभावनाओं का योग। संभावनाओं का योग क्या होता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना का योग एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना का योग कितना होता है? एक होता है। जैसे कि सिक्का उछालने का प्रयोग ले, अब देखो समझना मेरी बात, जैसे आपने यहां पर एक सिक्का उछाला, है ना, हमने अभी कहा या तो हमें चित मिलेगा या हमें पट मिलेगा, मतलब हेड या टेल मिलेगा, ठीक है? तो अभी टोटल रिजल्ट कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 50% चांसेस इसके आने के हैं, 50% चांसेस इसके आने के हैं। तो अब मुझे अगर एक रिजल्ट मिल रहा है तो 1/2 चांसेस इसके आने के हैं और हाफ चांसेस इसके आने के हैं, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा? एक ही तो आएगा, ये लो भाई, ओके? क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है? ऐसी घटना जिसके घटित होने की कोई संभावना नहीं हो।
ऐसी घटना जिसके होने की कोई संभावना नहीं हो, है ना। जैसे आपके पास में एक पासा है, क्या है एक आपके पास में पासा, समझना आप, पासे को फेंकने पर क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई आपको अंक मिलेगा, ठीक है, इन्हीं में से आपको कोई अंक मिलेगा, पासे को फेंकने पर इन्हीं में से आपको कोई अंक मिलेगा, ये अच्छे से आपको पता है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि 12 आने की जो है क्या संभावना है, अरे भाई पासे को फेंकने पर तो 1 से 6 तक के अंक में से ही मिलेगा ना, 12 आने के तो कोई चांसेज ही नहीं है, 12 आने के तो कोई चांसेज ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये जो संभावना होगी 12 आने की, ये जो घटना होगी ये असंभव है, असंभव। देखो यहां पर एक पासे को फेंकने पर 7 आने की संभावना कितनी है, 0। भाई 6 तक ही तो अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से ही, 7 कहां से आ जाएगा, 12 कहां से आ जाएगा, 15 कहां से आ जाएगा, तो सब असंभव है, क्लियर, क्योंकि 7 कभी भी इस परीक्षण का परिणाम नहीं हो सकता है, रिजल्ट भी बता दिया मैंने यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या होती है, वह घटना जिसके घटित होने की संभावना जो है वो 100% हो, निश्चित घटना कहलाती है, कोई भी घटना घटित हो रही है और 100% होगी उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। किसी निश्चित घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा फेंकने पर प्राप्त संख्या 7 से कम हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा आपने फेंका और संख्या आपको 7 से कम मिले, अरे भाई हमको पता है कि अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है यही मिलेगा, यही मिलेगा ना, तो ये सब क्या है 7 से कम है ना, 7 से कम है, ठीक है, तो 100%, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी घटना की संभाव्यता की सीमा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। संभाव्यता 0 और 1 के बीच हो सकती है, जहां 0 संभावना का मतलब है कि घटना असंभव है, और 1 की संभावना एक निश्चित घटना को इंगित करती है। जैसे मान लो कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है, प्रायिकता को हम किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ई से, ठीक है। जैसे कि कोई भी घटना घटित हो रही है, मतलब कि हमने कहा ई, ठीक है, ई से मतलब है घटना, इससे मतलब है घटना, ठीक है, कोई घटना हमारी घटित हो रही है, ठीक, हमें निकालना है इसकी प्रायिकता, क्या निकालनी है, इसकी प्रायिकता, तो हम इसको लिखेंगे P of E, ठीक। फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, क्या होता है, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे कि आपने कहा, क्या कहा आपने, आपने ये कहा कि आपने एक पासा उछाला, ठीक, आपने एक पासा उछाला, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, किसकी, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, तो देखो पासा उछालने पर 1 2 3 4 5 6 यही मिलेगा। अब इसमें से सम संख्या कौन कौन सी आपकी, देखो ध्यान से, सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 और 6, तो ये जो परिणाम मिले ये तो हो गए आपके अनुकूलित परिणाम, क्या हो गए, अनुकूलित परिणाम, तो इस घटना की जो प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूलित परिणाम कितने, 3, 1 2 और 3, कुल परिणाम कितने, 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, क्लियर। इसी तरह से विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्लियर है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता रहेगी उसका मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका मान 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, अगर हम किसी भी घटना की प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो प्रायिकता को हम दशमलव के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रायिकता जो है 0 से लेकर 100% के बीच में हो सकती है, दशमलव के रूप में जो है किसी भी घटना की प्रायिकता हमें मिल सकती है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब किसी भी घटना की अगर प्रायिकता की बात करूं मैं तो वो नेगेटिव कभी भी मेरे पास में नहीं होगी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं प्रायिकता की किसी घटना के घटित होने की और हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है और अगर वो हमें भिन्न रूप में मिलती है तो क्या वो हो सकते हैं, हाँ भाई कोई भी घटना की जो प्रायिकता है वो भिन्न रूप में हो सकती है ना, लेकिन ये ध्यान रखना उसमें अंश जो है
आपका छोटा होना चाहिए हर से, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं इनको अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर ये पॉइंट बैठ गए तुम्हारा काम हो जाएगा, और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का ही आता है। छापो भाई फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। ओके, क्लियर है, चला जाए इसके आगे, बताओ भाई फटाफट से। नेक्स्ट, अगला आता है हमारे पास में पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? किसी घटना के दो परिणाम है, जो केवल दो संभावित परिणाम है, यह सिक्के को उछालने और चित या पट प्राप्त करने जैसा है ना। जैसे कि पूरक, समझना, पूरक और संपूरक आपने छोटी क्लास में नाम सुने हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सिक्का उछाला, है ना, आपने एक सिक्का उछाला। अब सिक्का उछालने पर मुझे ये बताओ, मान लो आपको चित मिलता है, मतलब कि आपको हेड मिलता है, क्या मिलता है, हेड मिलता है, तो इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक क्या होगा? पट, मतलब इसका पूरक टेल होगा, है ना, क्लियर। और बताता हूं, जैसे कि आपने एक पासा फेंका, पासा फेंकने पर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया था कि सम संख्या, क्या होगी इसमें, 2 4 और 6, ठीक है। तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक, सम का पूरक क्या होगा, विषम, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5, ये लो भाई, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब बताओ, क्या अभी भी किसी को डाउट, अभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता भाई, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी, मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है। छापो फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे, और आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी हमसे क्या कहती है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर, है ना। क्वेश्चंस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक आप नाम सुनोगे यहाँ पर, प्रतिदर्श समस्ती, क्या सुनोगे, प्रतिदर्श समस्ती, प्रतिदर्श समस्ती को हम कैपिटल एस से जो है डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कब पूछा गया है, देखो ध्यान से फटाफट से और बताओ मुझे, 2018 में, कब पूछा गया, 2018 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझना, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आपने एक सिक्का उछाला, आपने क्या किया, एक सिक्का उछाला, ठीक है, आपने उछाला एक सिक्का, उछाल दिया भाई। अब सिक्का उछालने पर आपको दो परिणाम मिलते हैं, या तो चित या पट। चित को इंग्लिश में कहते हैं हम हेड, पट को इंग्लिश में कहते हैं हम टेल, ठीक है, क्लियर। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक चित और एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। अब कोई घटना घटित हो रही है ना, तो कुल परिणाम, कितने मिल रहे हैं आपको, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम मिल रहे हैं आपको दो, कितने मिल रहे हैं, दो परिणाम मिल रहे हैं, या तो चित आ रहा है या पट आ रहा है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक। हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, पहला सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की, ठीक है, प्रायिकता किसकी, चित्त प्राप्त करना, ठीक है, क्लियर। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूलित परिणाम, बटे कुल परिणाम, ठीक है। चलो तो यहां से देखो, अनुकूलित परिणाम, इसने कहा चित, कितनी बार आ रहा है, एक बार, और कुल परिणाम कितने, दो, तो 1/2 खत्म। नेक्स्ट, आपको प्रायिकता निकालनी है पट्ट प्राप्त करने की,
किसकी? पट्ट प्राप्त करना, ठीक है, यहां दिया ना, एक पट प्राप्त करने की। पट कितनी बार आ रहा है? एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हो तो पट कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, तो अनुकूलित परिणाम एक हो गया, कुल परिणाम दो हो गए। ये लो भाई, इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं करना। इतना लल्लू सा सवाल पूछा गया था बोर्ड 2018 में, ठीक है, छापो फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे की कहानी देखते हैं और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस ध्यान से देखते जाना, ठीक है, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं देन आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। एक थैले में एक साल गेंद, एक नीली गेंद, अच्छा एक साल नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ में, ये साल गलत टाइप हो गया, साथ आएगा, मैं वही देखो यार, साल एक थैले में एक साथ, ठीक है, गेंद रखी जाती है, एक नीली गेंद और पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही, एक लाल गेंद एक नीली गेंद, अच्छा एक थैले में, यहाँ पर फिर तो लाल आएगा, यहाँ पर फिर तो लाल आएगा, ठीक है, क्या आएगा? लाल आएगा। चलो, एक थैले में एक नीली गेंद, एक लाल गेंद और एक पीली गेंद है, ठीक है, एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी? बहुत बढ़िया भाई, लल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है, देखना आप। पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या है? अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, यही है, इसके अलावा कोई है? बताओ भाई, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है? नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ, ठीक है, ये आपका थैला हो गया, है ना, ठीक है, ये थैले का हैंडल हो गया, क्या हो गया? ये थैले का हैंडल हो गया, ठीक है, ये थैला पकड़ लिया। अब इसके अंदर समझना मेरी बात, एक तो लाल गेंद है ना, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, ये लो, ठीक है, स्मार्ट लग रहा है ना थैला तो, ठीक है। चलो, अब हमें बताना है, क्या बताना है? प्रायिकता बतानी है। तो थैले के अंदर कुल मिला के पहले तो ये बताओ कितनी गेंद है, थैले के अंदर कुल कितनी गेंद है? आप कहोगे कि सर थैले के अंदर कुल तीन गेंद है, कितनी गेंद है? तीन गेंद है, ठीक। नीली गेंद कितनी है? ये हो गई आपकी पीली, ठीक है, पीली गेंद कितनी है? एक। नीली गेंद कितनी है? एक। और लाल गेंद कितनी है? एक, ठीक है, क्लियर। चलो, तो पहला हमें निकालना है यहां पर प्रायिकता किसकी? पीली, पीली गेंद होने की प्रायिकता। मतलब आपसे अगर यह कहा गया, मान लो कृतिका से यह कहा गया कि थैले में देखना नहीं है, है ना, और एक गेंद निकालनी है, कृतिका ने देखा नहीं और डायरेक्ट निकाल ली एक गेंद, अब हो सकता है वो लाल हो सकता है वो पीली हो और हो सकता है वो नीली हो, ठीक है, तो कोई सी भी हो सकती है, तो पीली गेंद कितनी बार में आएगी? एक ही आएगी, क्योंकि एक ही तो है, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तीन है, और आपको अनुकूलित परिणाम कितना मिलेगा? एक ही, क्योंकि एक ही तो पीली गेंद है। इसी तरह से दूसरा प्रायिकता लाल गेंद होने की, किसकी? लाल गेंद होने की, तो कुल परिणाम कितने? तीन। लाल गेंद कितनी निकलेगी? एक ही निकलेगी, इसलिए एक बटे तीन। फिर तीसरा गेंद नीली होने की प्रायिकता, कौन सी? नीली, ठीक, नीली, तो नीली गेंद की प्रायिकता नीली गेंद, तो कुल कितने परिणाम? तीन, अनुकूलित परिणाम एक, तो एक बटे तीन। इस तरह से
आपको ध्यान रखना है। ओके क्लियर यहां तक। चलो अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकोगे समझना 6 परिणाम मिलेंगे, ठीक। दो पासों को एक साथ फेंकोगे 36 परिणाम मिलेंगे। एक सिक्के को एक बार उछालोगे 2 परिणाम मिलेंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे 4 परिणाम मिलोगे। 3 बार उछालोगे 8 परिणाम मिलेंगे, ठीक है क्लियर। तो अब ध्यान से देखना, पहला बोला है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ओके अब आपके पास में पासा, अभी मैंने बताया था पासे के बारे में आपको, तो पासा है ना, पासे को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, एक पासे को फेंक रहे हो आप, तो आपको क्या क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं ना, ठीक है। यहां पर अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है यही होता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला होता है क्या बताओ भाई, इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है फॉर्मूला, नहीं आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। चलो अब देखो पहली कंडीशन क्या बोली है, पहली कंडीशन आपसे बोली गई है 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है आपको, 5 और 6। अब आपको निकालना है इसकी प्रायिकता, क्या निकालना है इसकी प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने, एक पासे को फेंकने पर कुल कितने रिजल्ट मिले, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिजल्ट मिले। अब 4 से बड़ी कितनी संख्या आपके पास में, 5 और 6 मतलब कि 2 ही संख्या है, तो ये आ जाएगा 2/6 का मतलब 1/3, क्लियर कहानी खत्म। ये हो गया आपका पहला। अब बात करेंगे हम दूसरे की, ठीक है। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना, क्या बोला है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर मतलब 4 से छोटी, तो आपको 4 से छोटी देखनी है पहले, तो कौन कौन सी 4 से छोटी कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर बोला है या उसके बराबर मतलब कि 4 के बराबर भी, तो मतलब 4 को भी लेना है, ठीक। अब सिर्फ ये बोला जाता है कि 4 से छोटी तो फिर 1, 2, 3 ही लेते हैं ना, ये बोल दिया जाए 4 या उससे छोटी तो फिर 4 को भी काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से छोटी या उसके बराबर, उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, टोटल रिजल्ट कितने मिले आपके पास में, 6, और अनुकूलित रिजल्ट 1, 2, 3, 4, 4, तो 2 × 4, 2 × 3, 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी है, 2/3। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपको इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं। अब बताओ भाई यहाँ तक का फंडा क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, आपके पास ताश के पत्ते हैं, ठीक है, उसको फेंट लिया, ठीक है, उसमें से कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का ही होगा, बहुत बढ़िया। आपको क्या बोला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपके पास में एक इक्का ही होगा और एक इक्का नहीं होगा, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, है ना, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से देखना। देखो पत्ते, ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं आपके पास में, 52 होते हैं, ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं आपके पास में, 52, ठीक। अब
इनको अच्छे से फेंट लिया और एक पत्ता निकाला जाता है। अब इक्के की बात हो रही है, किसकी? इक्के। तो ताश के कुल 52 पत्ते में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं भैया? 4 इक्के होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पहला बोला है कि प्रायिकता निकालना है, किसकी? पत्ता जो निकाला गया है ना, एक इक्का जो निकाला गया पत्ता है, इन 52 पत्तों में से जो कोई सा भी एक पत्ता निकाला वो इक्का ही हो, तो कुल पत्ते कितने आपके पास में? 52, और अनुकूलित परिणाम कितने आपके पास में? 4। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/13। तो इसकी प्रायिकता ही आपके पास में 1/13। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड आपको निकालना है कि इक्का नहीं। अब जो पत्ते आपने 52 में से निकाला है एक, वो आपका इक्का नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, तो शेष पत्ते कुल पत्ते कितने? 52। अब निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि 4 इक्के होते हैं, तो कुल मिला के शेष पत्ते कितने बचे आपके पास में? 48। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, किसकी? निकाला गया पत्ता इक्का नहीं। इसकी हमें निकालनी है प्रायिकता। ठीक, तो अनुकूलित परिणाम कितने? 48। कुल परिणाम कितने? 52। तो इसको कट कर देते हैं, 2 से कटते हैं, 2 × 4 और 2 × 4, 2 से करते हैं, 2 × 4, 2 × 12, फिर 2 से करते हैं 12 बार, 2 से करते हैं 13 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 12/13। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट है आपका, ध्यान से और अच्छे से देखना। कोई भी घटना घटित हो रही है ना, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक, प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। कोई भी घटना घटित हो रही है उसको हम PE लिखते हैं, ठीक, घटना ई के, और कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसको हम E-bar लिखते हैं या E-dash लिखते हैं। ठीक है, इनका योग कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा आपके पास में? 1 होगा। क्लियर, आगे बात समझ में? तो यहां से कोई भी घटना घटित हो रही है वो निकालना है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 − PE·। कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है इसका अगर मान निकालना है तो इसको उधर भेज दो, तो 1 − PE। क्लियर, इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। छापो फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया और प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? आप लोग चाहते तो देखो, ये घटना घटित हो रही है, ये घटना घटित नहीं हो रही है ना भाई, ये घटना घटित हो रही है, ये घटना घटित नहीं हो रही है। तो ये घटना घटित होने का मान जो है यहाँ रखते, और ये निकालना था, इस मान को उठा के इधर भेज देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। दोनों तरह से आप जिस भी तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट, सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और सेकंड का जन्मदिन एक ही हो और लीप वर्ष को छोड़ते हुए। अब देखो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें एक नाम नहीं दिया है ना, शायद थोड़ा सा क्वेश्चन में वो मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। सविता और हमीदा दो मित्र है, कितने मित्र है वो? दो मित्र है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखो वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, पहले ये बताओ, वर्ष में कुल दिन, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष को छोड़ते हुए है ना, अगर मैं बात करता हूं लीप वर्ष की मैं बात करूं, तो लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया? लीप वर्ष का मतलब हो गया 366 दिन। लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन
ज्यादा होता है। फरवरी 28 की होती है ना, तो हर चार साल में एक बार फरवरी 29 की भी आती है। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो अब यहां पर हमें पहला, ठीक है, पहला क्या बोला है कि जन्मदिन भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न हो, तो जन्मदिन भिन्न हो मतलब कि कुल दिन 365 और अलग, भाई दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन है, तो आपके अनुकूलित परिणाम कितना मिला 364। अब इसकी निकाल लो प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता हमिदा का सविता से, हमिदा का जन्मदिन, हमिदा का जन्मदिन है ना, या डायरेक्टली लिख देता हूँ, जन्मदिन भिन्नो, जन्मदिन भिन्नो, ठीक, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, तो ध्यान से देखो अनुकूलित परिणाम कितने 364, कुल परिणाम कितने 365। इसने साफ कहा है कि लीप ईयर्स को छोड़ते हुए, इसलिए हमें 366 नहीं लेना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो इसको करते हैं साइड में, इसको करते हैं साइड में, दूसरे को देखते हैं, है ना, है ना। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है का जन्मदिन एक ही हो, मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, पहले में दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, सेकंड दोनों का जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, का जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन हो, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया, समझना समझना इस बात को, कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, इसका योग कितना होगा एक, ठीक ठीक है। दोनों का जन्मदिन अलग अलग है, दोनों का जन्म एक दिन है, एक दिन है मतलब घटना घटित हो रही है, अलग अलग है मतलब घटना घटित नहीं हो रही। तो यहां से इसका मान आपको निकालना है, तो P ऑफ E प्लस इसका मान आपके पास में कितना है 364 है ना, तो ये हो जाएगा पी ई डैश बराबर एक माइनस एक, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं मान रख देता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ, इसका मान कितना है 364/365 बराबर एक, ठीक। इसको इधर भेज दो, तो पी ई बराबर एलसीएम ले लो, इसको इधर भेज दो पहले, तो ये हो जाएगा 1-364/365, ठीक। इसका एलसीएम अब ले लो, ये हो जाएगा 365, 365-364 तो बराबर 1/365, इसकी प्रायिकता है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ क्या किसी के मन में कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत बढ़िया और आसानी से समझ में आ गई होगी। बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मैं साफ बता रहा हूँ आपको एज इट इज़, ओके। छाप लो फटाफट इसको, फिर चलते हैं बेटा हम इसके आगे, और आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी हमसे क्या कहती है। क्लियर, चलो भाई चला जाए अगला क्वेश्चन। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कंचे, ठीक है। एक बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है, यह कंचा कौन सा भैया सफेद है, नीला है और लाल है, 2019 में पूछा गया। आओ देखें जरा इस क्वेश्चन में कितना है दम। नीले कंचे कितने, 3, ठीक। सफेद कंचे कितने, सफेद कंचे कितने, 2, और लाल कंचे कितने, 4, ठीक। तो अब यहां से कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 3+2+4 मतलब कि 9, कितने हो गए 9, ओके। अब यहां पर मुझे एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी, आपके पास में एक थैला, ठीक है, वही ये थैला आ गया हमारा, आ गया ये थैला आ गया। चलो अब नीले कंचे देखो कितने, 3, तो 1, 2 और ये 3,
ये नीले कंचे हो गए, सफेद कंचे कितने, दो, तो एक और ये दो सफेद कंचे हो गए, लाल कितने, चार, एक दो तीन और ये चार, ठीक है, ये कंचों से भरा हुआ थैला हो गया भाई आपका। अब आपको प्रायिकता निकालनी है ना, क्या कहा गया है कि कोई भी एक कंचा निकाला जाता है इसमें से, ठीक है, तो सफेद नीला और लाल इनकी क्या प्रायिकता होगी, आ जाओ भाई ध्यान से और अच्छे से देखना, कोई भी घटना घटित हो रही है ना, तो उसकी प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, यही फॉर्मूला होता है आपका, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम यही फॉर्मूला होता है। चलो पहला प्रायिकता निकालनी है कि कंचा कैसा हो, सफेद है ना, कंचा सफेद आने की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने आपके पास में, नौ, भाई टोटल इसमें थैले में कितने कंचे, नौ है, अब सफेद कितने भैया, दो, तो ये आ जाएगा दो बटे नौ। दूसरा, ये तो हो गया आपका पहला, ठीक, दूसरे की बात करते हैं, प्रायिकता निकालनी है किसकी, नीला कंचा होने की, किसकी, नीला कंचा होने की, तो कुल परिणाम कितने, नौ, और आपके फेवर में अनुकूलित परिणाम कितने, अनुकूलित परिणाम बोले तो यहाँ पर नीले कंचे कितने, तीन, तो ये तीन बटे नौ, मतलब कि एक बटे तीन कट गए, ठीक। तीसरा प्रायिकता निकालनी है किसकी, लाल कंचे निकलने की, थैले में हाथ डाला निकाला गया कंचा लाल, लाल कंचे कितने आपके पास में, चार, कुल कंचे कितने, नौ, ये लो। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, अब बताओ शर्म आ रही या नहीं आ रही इन क्वेश्चंस को करते हुए, आ रही है ना भाई, इस चैप्टर से आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आपका बेसिक नॉलेज है अच्छा तो इस चैप्टर से आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप कर लोगे, क्योंकि कंचे के अलावा पासे आ जाएंगे है ना, सिक्के आ जाएंगे या फिर आपके पास ताश के पत्ते आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2020 में पूछा गया है ना, देखो अब लीप वर्ष की बात हो रही है, तो लीप वर्ष में कुल दिन, लीप वर्ष में कुल दिन, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, कितना होगा भैया, 365 प्लस एक, मतलब कि 366, जनरली तो वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष में एक दिन और एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब देखो समझना अब मेरी बात ध्यान से, यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं है ना, तो बोला गया है कि रविवार होने की प्रायिकता, बहुत बढ़िया, सप्ताह में कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन भैया, सात दिन, कितने दिन, सात दिन। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो अगर मैं यहां पर देखूं 366 में, तो 52 प्लस 2 होगा, 52 सप्ताह होंगे, कैसे, देखो 52 को 4 से गुणा करो, 4 दुनिया 8 और 5 चौक 20, सॉरी 52 को 7 से गुणा करो, 7 दुनिया 14 का 4 हासिल 1, 5 सात 35 और 1 36, 366 प्लस 2, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये तो हो गया सप्ताह, 52 तो क्या है, सप्ताह है, और ये दो दिन एक्स्ट्रा निकल रहे, सात दिन का एक सप्ताह होता है ना, ठीक है, तो 366 दिन में, 366 दिन में हम कहेंगे कुल 52 सप्ताह हो रहे हैं और दो दिन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। अब वो दो दिन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो भाई कौन कौन से हो सकते हैं, रविवार, सोमवार, ठीक, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार है, मंगलवार ले लेता हूँ है ना, रविवार सोमवार आ गया ना, ठीक है, तो मंगलवार, बुधवार, ठीक, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो ये दो दिन का रिपीट किसका हो रहा है, रविवार, क्लियर, बोलो भाई जल्दी से हाँ या ना, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब बाकी के कितने बचे दिन, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में, चलो तो यहां से हम देखेंगे कोई भी घटना घटित हो रही है, किसी घटना के, किसी घटना का
की प्रायिकता निकाल रहे हैं, कोई भी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो कोई भी घटना घटित होना है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम। क्योंकि इसने साफ कहा है यहां पर हमारे पास में कि 52 रविवार होने की प्रायिकता है ना, वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो 52 रविवार मतलब 52 सप्ताह तो हो ही गया आपके पास में, ठीक। तो यहां से बाकी कितने बचे, 7 में से 5 गए तो मतलब 2, ठीक है, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5, तो अनुकूलित परिणाम 5 है और कुल परिणाम कितने आपके पास में, 5/7, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन, ओके क्लियर है। चलो उसमें से आपके 2 ये दिन एक्स्ट्रा माइनस हो जाएंगे तो फाइनली आपके पास में 5/7 आएगा, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6, उमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है भाई। पहला, रमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, तो इसको मैं जो है नाम दे देता हूं PE1, ठीक है, ये कितनी है, 1/6, क्लियर। रमेश द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE1, ये हो जाएगी 1 - PE1, ठीक। तो फाइनली 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो 5/6। भाई कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, इनका योग 1 है, तो ये घटना घटित हो रही है, ठीक है, ये हो रही है, तो इसका मान रख दिया, इसका निकालना है, ठीक, या इसका ऑलरेडी है इसका निकालना है तो रख दो, बस ट्रांसफर कर दो, ओके। चलो ये आपको पहले तो पता चल गया। नेक्स्ट, फिर बोला है उमेश उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता, ठीक है, ये तो हो गया, अब बात करते हैं उमेश, तो उमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता उमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है भैया आपके पास में, 1/8, तो इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ, ये कितना है, 1/8, उमेश द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता, ठीक, ये कितनी हो जाएगी, PE2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 - 1/8, ठीक, तो फाइनली 8 - 1/8 = 7/8। अब हमें निकालना क्या है, ये देखो, हमें निकालना उनमें से किसी के भी दौड़ न जीतने की प्रायिकता है ना, किसी के भी दौड़, यहाँ लिख देता हूँ, किसी के भी दौड़ न जीतने की प्रायिकता, किसी के भी दौड़ न जीतने की प्रायिकता, तो हम क्या कहेंगे, अर्थात हमें निकालना है PE1 - PE2। फाइनली इसका मान कितना था आपके पास में, 5/6 * इसका मान कितना है, 7/8, तो 7 × 35 = 48, छापो। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। करो भाई जल्दी से, आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं, चले इसके आगे। चलो, एक थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंदे हैं, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता
एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, थैले में लाल गेंद, थैले में लाल गेंद कितनी है? पांच। एक थैला है उसमें लाल गेंद है आपके पास में पांच। अब कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद नहीं पता है, तो मान लेते हैं, माना थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, अब साफ बोला गया है यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, ठीक है, तो प्रायिकता किसकी? नीली गेंद निकालने की, है ना, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता किसके बराबर है? दुगुनी है। किसकी? एक लाल गेंद निकालने की, है ना, दुगुनी है लाल गेंद निकालने की। ठीक है, ये लो भाई, अब आपको करना क्या है? तो थैले में नीली गेंदों की संख्या, तो थैलों में क्या करना है? नीली गेंदों की संख्या। मुझे एक बात बताओ, कुल गेंद कितनी है थैले में? थैले में कुल गेंद है x प्लस पांच। ठीक है, क्योंकि लाल गेंद पांच है और नीली गेंद x है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, मुझे यहां पर ये बताओ, थैले में प्रायिकता नीली गेंद की, नीली गेंद है ना, नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या x का मान निकालना है, तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूलित परिणाम x, कुल परिणाम x प्लस पांच। ठीक, इसी तरह से प्रायिकता लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पांच बटे x प्लस पांच, यही होगी ना, क्लियर। अब इन दोनों को क्या करो, बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा x बटे x प्लस पांच बराबर दो गुणा लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? पांच बटे x प्लस पांच। ठीक, तो ये हो जाएगा x बटे x प्लस पांच बराबर दस बटे x प्लस पांच, दो को पांच से गुणा किया तो दस आ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हम कर सकते हैं, पांच दूनी दस और ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको पांच प्लस x लिख देता हूं मैं, है ना, ठीक है, तो x प्लस पांच से x प्लस पांच तो खत्म हो गया ना सीधा डायरेक्ट ही। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। ये लो भाई, x बराबर कितना आएगा हमारे पास में? 10। तो नीली गेंद, नीली गेंदों की संख्या कितनी आपके पास में? 10 है आंसर, खत्म, और कुछ नहीं, यही आपको करना था। ओके, चले आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, ठीक है, एक ही साइज की एक कृति का बिना थैले में हाथ डाले, ये तो मैंने आपको करवा दिया था सेम क्वेश्चन, है ना, इसको चाहो तो आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो, है ना, ये तो मैंने करवा दिया था वैसे तो आपको अभी थोड़ी देर पहले। ओके, क्लियर है, तो ये आज बेटा आप लोगों को मैंने पूरा प्रायिकता जो है चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। इसमें अगर मैं मेन बात करूं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो एक सिक्का उछाला जाता है, तो सिक्का उछाला जाता है तो आपको दो परिणाम मिलते हैं, हेड या टेल। ठीक, दो सिक्के उछाले जाएंगे तो चार परिणाम मिलेंगे, हेड हेड। ठीक है, अगर दो सिक्के उछाले ठीक, तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, इसी तरह से पासे को फेंका जाए तो आपके पास में क्या परिणाम मिल सकते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक, चलो नेक्स्ट, ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। ठीक, क्लियर, और क्या पॉइंट ध्यान रखना है? प्रायिकता जो है किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है, ठीक है, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है, और वो कितनी?
जीरो पर से लेकर 100% तक, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, प्रायिकता भिन्न रूप में हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है अंश आपके हर से छोटा होना चाहिए, क्लियर। ये चीजें ध्यान रखना है, कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, इन दोनों का योग जो है वो एक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करोगे, ओके, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। तो बेटा आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट करवा दिया है ना। अगर आप लोगों को आज के इस सेशन में मज़ा आया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा है आप लोगों को ये आज का हमारा पूरा कंप्लीट वन शॉट, और नेक्स्ट किस चैप्टर का आप लोग वन शॉट चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वन शॉट्स लेकर आता रहूँगा। छोटा सा चैप्टर है, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 नंबर पूरे के पूरे, 4 से 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।